अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये बोल रहे होंगे कि सर किसका गाना चला लिया आपने, ढिंचक पूजा का गाना है, क्यों बेसुरा गाना सुना रहे हो। पर दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो ढिंचक पूजा के बारे में नहीं है, ये यूट्यूब के बारे में है कि कैसे यूट्यूब ने एक ऐसी लड़की को स्टार बना दिया जो एक डेढ़ साल पहले कुछ भी नहीं थी, जिसको कोई भी नहीं जानता था। आज हम थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ढिंचक पूजा पॉपुलर क्यों हुई, क्या कारण थे, इसके अलावा कैसे आप अपना जो टैलेंट है यूट्यूब के माध्यम से आगे ला सकते हो, क्योंकि यूट्यूब जो है 2021 तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल होने वाला है इंडिया में, और वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हम एजुकेशन से रिलेटेड, इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड और ओपिनियन से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप हमारा चैनल ज्यादा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं ढिंचक पूजा के बारे में, जिसको 2016 तक शायद कोई नहीं जानता होगा। अब ये लड़की फेमस कैसे हुई ये देखिए, इसने वायरल कैसे हुआ कि लोगों ने यूट्यूब पे इसका मजाक उड़ाया, लोगों को हंसी आई, लोग एंटरटेन हुए इन द सेंस। तो इस ये जो है 2017 में इसका गाने सारे वायरल हो चुके थे। वायरल होने का मतलब बहुत सारे लोगों ने इसके गाने को देखा। अब इसके गाने में दोस्तों कोई सुर नहीं है, कोई ताल नहीं है, पर लोग इसके गाने को सुन के खुश हुए, राइट? लोगों को एक खुशी मिली, तभी लोगों ने, इतने लोगों ने इसका गाना देखा, चाहे किसी भी वे में खुश हुए हो। एक होती है गुड पब्लिसिटी, एक होती है बैड पब्लिसिटी। गुड पब्लिसिटी का मतलब आप अच्छे काम करके आगे आ रहे हो, बैड पब्लिसिटी आप ये सोच सकते हो कि मतलब आपका मजाक उड़ाया गया हो कहीं पे। बट ठीक है, इसने किसी को हार्म तो नहीं पहुंचाया ना, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया अपने अपनी चीज़ों से। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे गंद मचा के, गंद कंटेंट डाल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो तो इसने नहीं किया। किसी ना किसी तरीके से हम जो है इसके चीज़ों को, इसके गानों को देख के कहीं ना कहीं खुश हुए, एंटरटेन हुए, तभी ये लड़की आगे आई है, राइट? और दोस्तों आज आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि ये अक्षय कुमार के साथ स्कूटर चला रही है, सलमान खान इसके गाने गा रहे हैं, और बिग बॉस में आने के बाद इस लड़की की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं मैं दोस्तों यही मानता हूँ कि इस लड़की को तो जो स्टार है वो यूट्यूब ने ही बनाया है। यूट्यूब जो है 2021 तक सबसे बड़ा मीडियम होने वाला है इंडिया में। कैसे? क्योंकि आप देखिए, जब 2016 में जियो आया था तो यूट्यूब क्रिएटर्स की संख्या बहुत बड़ी, इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत बड़ी। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 30% के आसपास जो है इंटरनेट यूजर्स है इंडिया में, राइट? और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़। 130 करोड़ का 30% कितना होता है, 40 करोड़ के आसपास हो गया, 39 करोड़ हो गया, तो 40 करोड़ के हम आसपास मानते हैं। तो 40 करोड़ के आसपास आज की डेट में इंडिया में इंटरनेट यूजर्स है। बट आने वाले समय में ये यूजर्स की संख्या बढ़ने वाली है। आने वाले समय की अगर हम बात करें तो शायद इंडिया जो है 2021 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाली कंट्री बन जाएगी। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि आप में कोई टैलेंट है तो आप YouTube को यूज़ करके उस टैलेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि YouTube जो सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जाता, ये पूरी दुनिया में देखा जाता है। अब आप में से जिन लोगों को ये नहीं पता कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, कैसे यूट्यूब पे डालते हैं वीडियोस को, कब डालते हैं, टैग टाइटल्स क्या होते हैं, तो इस सब पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पूरी एक सीरीज में लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दे दूंगा। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए, और बने रहने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा। आई होप आपको कुछ नया पता लगा होगा यूट्यूब के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमेशा की तरह कॉमेंट सेक्शन पर लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स ओपिनियन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।